नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। आइए आज की खबरों को देखते हैं। T20 के बाद अब कोहली की वनडे कप्तानी को लेकर अटकले, इसी हफ्ते हो सकता है फैसला। विराट कोहली के वनडे कप्तान बने रहने पर फैसला इसी हफ्ते हो जाएगा। चेतन शर्मा की अगुवाई वाली राष्ट्रीय चयन समिति दक्षिण अफ्रीका के दौरे के लिए टीम का चयन करने वाली है। दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 का नया स्वरूप पाए जाने की वजह से दौरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से एक हफ्ते देरी से शुरू हो सकता है। हालांकि दोनों देशों के बोर्ड और सरकार कोविड-19 की स्थिति पर करीबी नज़र रखे हुए हैं। T20 विश्व कप और टेस्ट चैंपियनशिप के चलते टीमों ने T20 फॉर्मेट और टेस्ट फॉर्मेट पर ज़्यादा ध्यान दिया है। भारतीय टीम ने इस साल सिर्फ 6 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें श्रीलंका का दौरा भी शामिल है। इस दौरे में कई सीनियर खिलाड़ी शामिल नहीं थे। 2022 में वनडे से ज़्यादा T20 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 विश्व कप भी शामिल है। T20 विश्व कप अक्टूबर और नवंबर के महीने में खेला जाएगा। T20 विश्व कप के बाद वनडे वर्ल्ड कप 2023 में खेला जाना है। अभी के कार्यक्रम के हिसाब से अगले 7 महीनों में भारत को केवल 9 वनडे खेलने हैं, जिनमें से 6 विदेश में खेले जाएंगे। BCCI में एक गुट कोहली को वनडे कप्तान बनाए रखने का पक्षधर है, तो दूसरा गुट T20 और वनडे दोनों की कप्तानी एक ही खिलाड़ी को सौंपने के पक्ष में है, ताकि रोहित शर्मा को 2023 वनडे विश्व कप के लिए अच्छी तैयारी का मौका मिल सके। माना जा रहा है कि इस मामले में आखिरी निर्णय BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जैसा लेंगे। विराट कोहली पहले T20 की कप्तानी छोड़ चुके हैं। बतौर लिमिटेड ओवर कप्तान विराट कोहली की काफ़ी आलोचना होती रही है। विराट की कप्तानी में भारतीय टीम को 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल और वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। विराट के उत्तराधिकारी के रूप में KL राहुल, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर को देखा जा रहा है। 2023 विश्व कप में अभी 2 साल का वक्त है और वनडे फॉर्मेट को प्राथमिकता सभी टीमें अगले T20 विश्व कप के बाद ही देंगी। ऐसे में अगर बोर्ड विराट को वनडे की कप्तानी से भी दूर करने की सोच रहा है तो उसे यह फैसला जल्द से जल्द करना होगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।